सुनो दुनिया वालों, सुनो दुनिया वालों। तो पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहुंचे हैं अपने विदेश दौरे के तीसरे पड़ाव में, और यहां पर आप देखिए अब से थोड़ी देर पहले जब वो वहां पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, और अब जो लोग वहां पर उनके स्वागत के लिए खड़े थे उनके बीच पीएम हैं, और आप देखिए भारत का तिरंगा झंडा लेकर और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग मोबाइल से फोटो भी जो है वो खींच रहे हैं। तो एक लोगों के बीच क्रेज रहता है पीएम मोदी के विदेश दौरे के दौरान जब उनको वो अपने बीच पाते हैं, और पीएम भी कुछ इसी अंदाज में उन लोगों को निराश नहीं करते हैं जो लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। आप यहाँ पर भी देखिए पीएम उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और बड़ी संख्या में जो भारतीय वहाँ पर रहते हैं वो आपने देखा कई जगह पर कई देशों में जब पीएम मोदी अलग अलग दौरों पर रहे तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया जब पीएम पहुँचे हैं अपने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे में तो लोग उनको रिसीव करने के लिए आए हैं, और पीएम भी उनसे हाथ मिलाकर उनके साथ फ़ोटो खिंचाकर जो है उनका जो अभिवादन है उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा पीएम मोदी का ये भी काफ़ी अहम जो है वो रहने वाला है इस तीन देशों के जो दौरे में, ये तीसरा पड़ाव है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर आप देखिए पीएम यहाँ पर बिजनेस इंडस्ट्री के लोगों से भी मुलाकात जो है वो करेंगे, द्विपक्षीय बातचीत भी यहाँ पर होनी है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते आप जानते हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, और कई ऐसे इन दोनों देशों के बीच मुद्दे हैं जिनको लेकर और बेहतर करने के लिए यहाँ पर चर्चा जो है वो हो सकती है। हमारे और जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको भी कल पीएम मोदी को जो है संबोधित करना है, उसके लिए भी एक कार्यक्रम है। उमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो कितने अहम रहे हैं, और यहाँ पर इस दौरे में भी किस तरह ये खास रहने वाला है। लेकिन एक खास बात ये भी है कि भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम कल संबोधित करने वाले हैं, और उससे पहले वैसा ही प्यार यहाँ पर लोगों का नजर आ रहा है जब पीएम को रिसीव करने के लिए वो आए। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब सिडनी में उतरे हैं एयरपोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो उनकी अगवानी के लिए उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। और अमूमन हम ये देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जब भी किसी देश का दौरा होता है तो वहाँ भारतीय समुदाय के लोगों में एक अलग तरह का उत्साह नजर आता है, एक अलग तरह का कनेक्ट फील करते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि जो भारतीय जो बाहर रहते हैं उनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी आवाज़ को आवाज़ दी है, और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो है वो आया है। और इसलिए जब भी मोदी किसी एक अहम देश का दौरा करते हैं तो वहाँ भारतीय समुदाय के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। भारतीय समुदाय के साथ जो एक औपचारिक जो एक इंटरेक्शन है वो कल शाम को स्थानीय समय के हिसाब से 6 बजे होना है, लेकिन आज जिस तादाद में यहाँ पर भारतीय पहुँचे हैं नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, तो वो एक ये जज्बे को दिखाता है कि कैसे अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर वहाँ के जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं वो उत्साहित हैं। तो ये एक 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 परंपरा से चल पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद से हमने देखा है कि लगातार अलग अलग देशों में इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। आगे उसको लेकर भी जो खबर आई थी कि जो बाइडेन उनसे कह रहे थे कि आपका क्रेज वहां पर कितना है, आप देखिए कि लोग उस डिनर में भी शिरकत करना चाहते हैं। तो ये जो कल का कार्यक्रम यहां पर होना है पीएम का, यहां पर जो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे, ये किस तरह का कार्यक्रम होगा, इसकी क्या क्या, क्या तैयारियां जो है वहां पर की गई? आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही उमा। ये जो कल का कार्यक्रम होना है भारतीय समुदाय के लोगों का जहां पीएम मोदी मौजूद होंगे उनको संबोधित करेंगे, ये किस तरह का कार्यक्रम होगा, इसके लिए क्या तैयारियां जो है वो की गई हैं? जाहिर है लोगों के बीच तो काफी उत्साह है, वो यहां पर भी दिख रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कल शाम स्थानीय समय के हिसाब से जो 6 बजे है वो एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें बड़ी तादाद में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो हिस्सा लेंगे। हमने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेशी दौरों के दौरान भारतीयों के साथ इंटरेक्ट करने का, उनको संबोधन करने का एक परंपरा सी बनाई है जो लगातार 2014 से हम देखते आ रहे हैं। कल का ये संबोधन इतिहास से अहम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी संबोधन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मौजूद होंगे, तो ये अपने आप में एक नई बात है। क्योंकि यूजुअली होता ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी किसी देश में होते हैं और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं तो अमूमन वो वहाँ पे खुद ही होते हैं, उनके साथ उस देश के जो राष्ट्रप्रमुख हैं वो नहीं होते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ये जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री अल्बनीज हैं वो भी वहाँ पे साथ होंगे, और इस बाबत उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान भी दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो डाइवर्सिटी है, जो वहाँ की विविधता है, उसको ये प्रदर्शित करना चाहते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दो बड़े लोकतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, और दोनों ही देश जो हैं अपनी लोकतांत्रिक जो परंपराओं को लेकर काफी सजग रहते हैं। काफी महत्वपूर्ण सब रहने वाला है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए।